कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे ज्यादा कंप्यूटर है। कंप्यूटर भाषा कोबाल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्यावसायिक कार्य, ग्राफिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो कोबाल एक बिजनेस लैंग्वेज है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यावसायिक कार्य। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है डी, रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थनेट में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है? तो उसमें बस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। मॉडम का पूरा नाम, मॉड्यूलेटर टू डी मॉड्यूलेटर। विंडो एक्सपी में एक्सपी का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस। कंप्यूटर किस भाषा पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर एक मशीन है, तो मशीन लैंग्वेज पे कार्य करता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना और तुलना के लिए उपयोग होता है? ALU, अर्थमैजिक लॉजिकल यूनिट। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हो तो वह मल्टी प्रोसेसर कहलाता है। time.type.dir किसका इंटरनल कमांड है? तो ये डोज की कमांड है। विशिष्ट इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशल प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? तो उनको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जो कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को आपस में कम्युनिकेट करने की परमिशन देता है। ठीक है, तो उसके बाद अगली विंडो पे चलेंगे। पीयर टू पीयर लैन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए है। होम नेटवर्क, होम नेटवर्क क्या है? पीयर टू पीयर लैन का उपयुक्त नेटवर्क होता है। इंटरनेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच में रिले डाटा में मदद करता है। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट। निजी कंप्यूटरों और नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वर्ल्ड का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मूलभूत कार्य नहीं है? कौन सा काम है इसमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है? मेमोरी मैनेज करना, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, उपयोगिता को इंटरफेस प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को भी मैनेज करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट भी करता है और यूज करने वाले को इंटरफेस प्रदान करता है। इसलिए वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना, वर्ड प्रोसेसिंग ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का। कोई वेबसाइट एक्सेस करने से पहले जो मेन पेज दिखाई देता है किसी वेबसाइट का, उसको क्या कहते हैं? होम पेज। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है ब्राउजर। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑर्गेनाइजेशन से। GOV का गवर्नमेंट से। COM का कॉमर्शियल, व्यापार संस्था से। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता है? मॉडेम। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। WWW से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? वेबसाइट से। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री और लेन देन का कार्य ई कॉमर्स के माध्यम से किया जाता है। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जो आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है जिसको? तो CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसी प्रोग्राम में बग क्या होती है? एरर होती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों के माध्यम से डाटा अंतरण करने की अनुमति प्रदान करता है? तो मॉडेम। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, तो ENIAC, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से WWW का सही मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। भारत सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? 1960 में।